तो राम राम सही भाइयों को, क्या है भाइयों, आप सबकी उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। भाइयों फाइनली अब टाटा की आने वाली सबसे छोटी एसयूवी लॉन्च होने वाली, जो कि टाटा हॉर्नबिल के नाम से अब इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी। ये गाड़ी पहले टाटा एचबैक्स के नाम से आने वाली थी, लेकिन अब आपको टाटा हॉर्नबिल के नाम से लॉन्च होने वाली है। ये टाटा की तरफ से एक मिनी एसयूवी होने वाली है, जो कि 6 सीटर में आने वाली दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी कब लॉन्च होगी, क्या इसका प्राइस होने वाला है और क्या क्या इस गाड़ी में आपको फीचर्स मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। सबसे पहले भाइयों, अगर हम इस गाड़ी की लॉन्चिंग की बात करें तो टाटा की हॉर्नबिल आपको इस दिवाली के आसपास लॉन्च हो जाएगी, यानी कि फेस्टिवल सीजन के आसपास ये गाड़ी लॉन्च कर दी जाएगी दोस्तों। और प्राइसिंग की अगर हम बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इस गाड़ी का प्राइस टाटा रखने वाली है, जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है, इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 4 लाख के आसपास शुरू होकर ये गाड़ी 6-7 लाख तक जाने वाली, जो कि सबसे सस्ती एसयूवी होने वाली है अपने सेगमेंट में। अगर हम इस गाड़ी की कंपटीशन की बात करें तो ये गाड़ी आपको दोस्तों KUV 100 और मारुति की इग्निस जैसी छोटी गाड़ियों का मुकाबला देने वाली है। और फीचर्स में भी इस गाड़ी में कोई कमी नहीं होने वाली है, काफ़ी सारे शानदार फीचर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं। एक्सटीरियर में इसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं, जो कि प्रोजेक्टर के साथ आएंगे। बाकी इस गाड़ी के दोस्तों आपको टाटा की हैरियर्स पे इंस्पायर्ड आपको DRLs मिलेंगे, जो कि काफ़ी शानदार मिलने वाले हैं। बाकी इंटीरियर में आपको दोस्तों सारे फीचर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं, और ब्लैक कलर का इसमें आपको इंटीरियर मिलेगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, रियर पार्किंग सेंसर्स विद कैमरा, यानी कि काफ़ी सारे फीचर्स इसमें आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। और इस गाड़ी में आपको 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी शानदार डिज़ाइन के होने वाले हैं। बाकी आपको हाइट की बात करें दोस्तों, इस गाड़ी की हाइट आपको टाटा नेक्सॉन से थोड़ी सी कम मिलने वाली है, यानी कि अच्छी खासी इस गाड़ी में आपको हाइट मिलने वाली है। लेंथ इस गाड़ी की ज़्यादा नहीं होने वाली, क्योंकि ये एक छोटी एसयूवी होने वाली है, तो उस हिसाब से आपको लेंथ मिलेगी। अंदर की जो स्पेस की बात करें, ज़्यादा लंबी ना होने के बावजूद भी दोस्तों इस गाड़ी में आपको ठीक ठाक स्पेस मिलेगा, ज़्यादा कोई खास स्पेस नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये आपको थोड़ी सी एसयूवी वाली फील देने वाली है, यानी कि ये गाड़ी आपको मिनी एसयूवी होने वाली है टाटा की तरफ से। बाकी दोस्तों अगर मैं इस गाड़ी के सेफ्टी की बात करूँ, तो आप सबको पता ही है टाटा की गाड़ियाँ, सेफ्टी तो इसमें अच्छी खासी होने वाली है। इसके टॉप मॉडल में आपको 6 एयरबैग का ऑप्शन मिलेगा, और जो इसके बेस वेरिएंट है उसमें आपको 2 एयरबैग्स कंपलसरी मिलने वाले हैं। बाकी दोस्तों इंजन्स की बात करें तो इस गाड़ी में आपको दोस्तों वही 1.2 लीटर का इंजन मिलेगा, जो कि टाटा की अल्ट्रोज में मिलता है, जो कि 84 BHP के आसपास पावर प्रोड्यूस करता है। और 114 Nm का टॉर्क मिलेगा, जो कि आपको 5 स्पीड की मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आने वाला है दोस्तों। तो इंजन भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है, परफॉर्मेंस भी इसकी आपको ठीक ठाक ही मिलने वाली है, ज़्यादा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और हो सकता है आने वाले टाइम में इस गाड़ी में आपको CNG का ऑप्शन भी मिल जाए, जैसे कि टाटा की नेक्सॉन में आ रहा है, टाटा टिगोर में आपको CNG मिल रही है, वैसे ही आने वाले टाइम में इस गाड़ी में आपको CNG का ऑप्शन मिल सकता है। तो दोस्तों यही था आज की हमारी वीडियो में एक टाटा हॉर्नबिल के बारे में, जो कि इस फेस्टिवल सीजन में लॉन्च कर दी जाएगी, यानी कि आने वाले 4-5 महीनों के अंदर ये गाड़ी लॉन्च कर दी जाएगी दोस्तों, जो कि काफ़ी शानदार प्रोडक्ट होने वाला है टाटा की तरफ से। तो अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगी और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर ऐसे ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।